इस दुनिया में 800 करोड़ लोग जिंदा हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं और आप भी। आखिर इस दुनिया में हर सेकंड कोई ना कोई पैदा होता है और कोई ना कोई मरता है। लेकिन क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं एक वक्त जिंदा था, एक वक्त मुर्दा और फिर एक वक्त जिंदा। सर खुजाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही किस्सा है, इसे मेरी ही जुबानी सुनिए। आज से कुछ 5 साल कब्ल की बात है, मैं कॉल सेंटर में मुलाजमत करता था और मेरी शिफ्ट रात के तकरीबन 2 बजे खत्म होती थी। ऐसे ही एक रात जब मैं घर आ रहा था तो एकदम से बारिश होने लगी और बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट चली गई और चांद भी बादलों में छुप गया। सड़क पर घुप अंधेरा था, सड़क पर मेरे अलावा कोई नहीं था, मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। मैं कुछ ही देर चला था कि मुझे 2 और कदमों की आवाज आने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन जब मैं पलटा तो कोई नहीं था। बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तो मैं और तेज चलने लगा। मेरे साथ 2 कदम भी और तेज चलने लगे। तभी मैंने एकदम से पलट कर देखा और इस मर्तबा बिजली के चमकने के साथ ही मुझे मेरे पीछे चलने वाले की शक्ल नजर आई। लेकिन मैंने जो देखा वो मेरे यकीन से बाहर था। मैंने देखा कि मेरे पीछे चलने वाला मुझे देख रहा है और उसका जिस्म तो मेरे जैसा ही है और कपड़े भी मेरे जैसे ही हैं, लेकिन उसका सर एक बैल के सर की मानिंद है। मुझे अपनी नजरों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं अपने घर की जानिब भागने लगा, तेजी से भागने लगा, और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा लाइट आ चुकी थी। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नजर आया कि वो जानवर के शक्ल वाला शक्ल मेरी खिड़की के बाहर ही खड़ा है। मैंने ऊपर वाले से गुजारिश की, हे भगवान, ये यहां से चला जाए, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन शायद मेरा वो दिन नहीं था। मैंने देखा कि वो शख्स 3-4 कदम पीछे हटने के बाद सड़क पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ फैलाकर चीखने लगा। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि मेरी खिड़की का कांच टूट गया और अब उसके और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं था। मैंने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए है। मुझे सिर्फ इतना ही याद है। इसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो टीवी चालू था और टीवी के न्यूज चैनल में खबर आ रही थी कि शहर का कोई रवि वर्मा मारा गया है। रवि वर्मा? रवि वर्मा तो मैं ही हूं, तो ये टीवी वाले झूठ क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन जब टीवी में मैंने अपनी ही लाश देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाहर जाने के लिए जब कपड़े पहनकर अपनी शक्ल आईने में देखने लगा तो मेरा सर बैल का सर हो चुका था। मुझे खुद की शक्ल देखकर यकीन नहीं हो रहा था। मैं क्या करता, किस से जाकर अपनी परेशानी बताता और उस परेशानी का हल मांगता? कब्ल तो मुझ पर किसी को यकीन नहीं होता और उसके बाद खौफ की वजह से कोई मेरे करीब नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा था, तभी शायद ऊपर वाले को मुझ पर रहम आया और मेरे फोन की घंटी बजी। क्या मेरी बात रवि से हो सकती है? जी हाँ, मैं रवि ही बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास मुझसे गुफ्तगु करने के लिए 2 मिनट है? मुझे लगा कि हो ना हो किसी सेल्समैन ने कॉल किया है। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कुछ नहीं खरीदना। अपने पुरानी जिंदगी भी नहीं? क्या क्या मतलब है आपका? वही करो जो तुम्हारे साथ हुआ है। मतलब क्या है आपका? तुम्हारा सर कटा था, तुम भी वही करो। लेकिन मैं समझा नहीं भाई साहब, तफसील से समझाइए। इससे कबल कि मुझे अपने सवालों का जवाब हासिल होता फोन कट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पे यकीन करूं और मैं क्या करूं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या करते आप? कोई और चारा भी तो नहीं था मेरे पास। मैंने रात के 2 बजने का इंतजार किया
और अपने शिकार के लिए निकल गया। शायद मेरी किस्मत रंग बदल रही थी। घर से कुछ ही फासले पर मुझे एक शख्स चलता नजर आया। उसने जैसे ही मेरी जानिब देखा, उसे बैल के सिर वाला इंसान नजर आया और वो भागने लगा और देखते ही देखते अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके घर के बाहर चिल्लाने लगा, चीखने लगा। मालूम नहीं कहां से मेरी चीख में वो ताकत आ गई कि उसके घर के दरवाजे टूट गए और मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। वो शख्स खौफ के मारे कांप रहा था। मुझे उस पर थोड़ा रहम भी आया, लेकिन मैं क्या करता, या तो मैं मरता या तो वो। तो मैंने वही किया जो मुझे करना था। उसका सर काटने के बाद मैं बेहोश हो गया और अगले रोज जब मुझे होश आया तो मेरा अपना सर वापस मेरे जिस्म पे था और मेरी जिंदगी 2 दिन कब्ल की जिंदगी बन गई थी। मुझे मालूम है आप मेरे मुतालिक क्या सोच रहे होंगे, और आप मुझे बुरा इंसान मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। आप शायद ये भी जानना चाहेंगे कि उस इंसान का क्या हुआ जिसका मैंने सर काटा था। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि उस रोज मुझे किसका फोन आया था। आज जरा वक्त कम है, फिर कभी जब आपसे मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हां, अपना सर संभाल के चलिए।